हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से वापस आ चुके हैं आपके लिए एक एक्सेल में न्यू शीट लेकर। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बैंक पासबुक स्टेटमेंट। बैंक पासबुक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपके बैंक में कितने पैसे जमा हुए और कितने पैसे निकाले गए, मतलब कितना क्रेडिट हुआ और कितना डेबिट हुआ। ठीक, उसको आप कैसे निकालेंगे उसको हम आपको बताएंगे, उसकी शीट हम आपको बनाना सिखाएंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं एक्सेल, डायरेक्ट हम एक्सेल खोल लेते हैं। ये लीजिए, हमारा एक्सेल खुल चुका है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए। तो डायरेक्ट पहले हम इसमें हेडिंग डालने के लिए कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लगभग 6 कॉलम सेलेक्ट कर लिए हमने, इसको मर्ज करेंगे। अब यहाँ पर पहले हम हेडिंग डालते हैं बैंक पासबुक, बैंक पासबुक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक पासबुक स्टेटमेंट। ठीक, इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं हम अपने हिसाब से जैसा चाहें, बस इतना। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमको डालना है सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर। ठीक, और उसके बाद यहाँ हम डालेंगे डेट, डेट। उसके बाद डालेंगे हम पार्टिकुलर्स, पार्टी कुलर्स। ठीक है, पार्टिकुलर्स का मतलब होता है कि आपने कैसे दिया है, मतलब कैसे आया है या कैसे गया है, विच टाइप ऑफ। ठीक है, मतलब किस टाइप से आपका पैसा गया या आया है, कैश से, नेट बैंकिंग से, मतलब किसी भी तरीके से गया है तो उसको पार्टिकुलर्स कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें हम डालते हैं डेबिट। डेबिट का मतलब होता है हमारा कितना पैसा गया है। ठीक है, डेबिट। यार डेबिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ डालते हैं क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब आपके बैंक में कितना पैसा आया है। ठीक है, इधर डालते हैं बैलेंस। ठीक है, ओके। अब इन पे हम थोड़ा सा इनको यहाँ से इनकी पोजीशन थोड़ा सेलेक्ट करके थोड़ा इनको बढ़ा लेते हैं कॉलम, कि यहाँ डेबिट क्रेडिट हमको फिल करना पड़ेगा। ओके, यहाँ करेंगे हम बैलेंस फिल, यहाँ पे डेट फिल करेंगे। ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमको डालना है सीरियल नंबर, तो एक लाइन हम छोड़ देंगे, उसका हम बताएंगे क्यों छोड़ी हमने। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सीरियल नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10। ठीक है, सॉरी 4 छूट गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमको डालनी है डेट। ठीक है, तो यहाँ हम रैंडमली डेट डाल देते हैं, जैसे कि 1 जून। ठीक है, 1 जून 2022। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करके इसी को ट्रैक कर देते हैं, तो यही सब में फेल हो जाएगी, नहीं होगी। दोबारा डालते हैं 1 जून 2022। ठीक है, आपको समझ में आए, इसीलिए हम थोड़ा हिंदी का सही से प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा इंग्लिश प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वाई कैश। ठीक है, मतलब ये हमारा कैश। ठीक, और पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, इसको भी थोड़ा कॉलम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस, बैलेंस, और स्पेस करके लिखते हैं बी और एफ। ठीक है, मतलब बैलेंस हमारा पहले से बैंक में कितना बैलेंस है। ठीक है, तो इसमें हम फिल कर देते हैं लगभग 65,722। ठीक है, एंटर। इतना हमारा बैलेंस पहले से है। ठीक है, अब बाई कैश। ठीक है, 1 जून को हमारा कितना हुआ, नहीं इसमें एक ही डेट में सारे नहीं करते हैं, इसमें थोड़ा हम चेंजमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें हम कर देते हैं, इसमें हम डाल देते हैं 2 तारीख। ठीक है, और इसमें
इसमें हम डाल देते हैं 3, ठीक है, और इसमें भी डाल देंगे हम 3, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी हम डाल देंगे 3, ठीक है, और लगभग हमने 3 में 3 3 डाल दिया है। उसके बाद यहाँ हम डाल देते हैं 4 लगभग, अलग अलग डेट होनी चाहिए क्योंकि एक ही डेट में सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं आपके, इसी वजह से हम चेंज कर रहे हैं 5, और यहाँ पे डाल देते हैं 7, यहाँ पे भी डाल देते हैं 7, ठीक है, 7, ठीक है। अब 1 तारीख को कितना बाई कैश हमको कितना पैसा क्रेडिट हुआ, क्रेडिट का मतलब होता है कितना पैसा आया, 12,000, ठीक है, एंटर करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाई नेट बैंकिंग, बाई नेट बैंकिंग, ठीक है, बाई नेट बैंकिंग, ठीक। नेट बैंकिंग के थ्रू कितना पैसा आया है, 8,600, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ लिखते हैं बाई बाई कैश, ठीक है, बाई कैश हमारा कितना क्रेडिट हुआ है, 4,500, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टू एनुअल SMS चार्जेस, ठीक है, टू SMS एनुअल चार्जेस, ठीक है। एनुअल चार्जेस का मतलब होता है हमारी पूरे साल भर में जो एनुअल चार्ज लगा है SMS का वो कितना है, ठीक है। तो ये हमारा डेबिट, ठीक, ये हमारा बैंक अकाउंट से कटा है, ठीक है, तो ये हमारा है 25 रुपये, ठीक है, ओनली 25 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं बाई पेटीएम, ठीक है, पेटीएम, ठीक, बाई पेटीएम हमको यहाँ से कितना पैसा आया है, 650, ठीक। अब उसके बाद लिखते हैं बाई कैश, अब उससे हमको कितना डेबिट हुआ है, 16,500, ठीक। अब फिर से यहाँ लिखते हैं बाई इंटरेस्ट क्रेडिट, ठीक, बाई इंटरेस्ट, एक सेकेंड, इंटरेस्ट की स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ लग रही है, TER, हाँ, इंटरेस्ट क्रेडिट, ठीक है, बाई इंटरेस्ट क्रेडिट, ठीक, मतलब जो साल भर में हमें बैंक इंटरेस्ट देता है, ठीक, वो हमको कितना मिला है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लगभग, इसको थोड़ा कॉलम बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम नोट लगा के लिख देते हैं, नोट नोट लगा के लिखेंगे यहाँ पे, ठीक, नोट लगा के लिखेंगे इंटरेस्ट रेट, TER EST, इंटरेस्ट रेट 3.5, ठीक है, परसेंट। इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे, इसको करेंगे थोड़ा स्मॉल, ठीक, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं जिसमें साफ से दिखाई दे अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अभी हम इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, ठीक है, पहले हम और फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टू नेट बैंकिंग, टू नेट बैंकिंग, टू नेट बैंकिंग, ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू हमको कितना पैसा कटा है, ठीक है, तो यहाँ 3,500 रुपये, ठीक है, मतलब 3,500, ठीक है। अब उसके बाद बाई पेटीएम, फिर से बाई पेटीएम कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ है, 8,500, 8,500। उसके बाद फिर से बाई नेट बैंकिंग, ठीक है, फिर से क्रेडिट, हाँ, क्रेडिट हुआ है 14,500, ठीक है, ये हमारे टोटल लिख चुके हैं, ठीक। अब हमको बैलेंस निकालना है, ठीक है, तो ये हमारा टोटल बैलेंस, ठीक। और अब हमको जब हमको जो बैलेंस कैश एडिट एडिट हुआ है, जो हमको क्रेडिट हुआ है और डेबिट हुआ है, तो हमको बस वही निकालना है कि हमारे में टोटल बैलेंस कितना है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल, पहले इस पे बैलेंस पे क्लिक, उसके बाद प्लस, ठीक, फिर इस पे क्लिक, एंटर, ठीक है।
और फिर से नेट बैंकिंग में 1 जुलाई को दोबारा नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा आया है, तो फिर से इक्वल इस पर क्लिक, प्लस फिर इस पर क्लिक, एंटर, फिर से इक्वल इस पर क्लिक, ठीक है, प्लस इस पर क्लिक, फिर एंटर, ठीक। अब ये हमको क्रेडिट नहीं डेबिट हुआ है, मतलब ये हमको पैसे आए नहीं है, हमारे पैसे गए हैं, ठीक है। तो पहले इस इक्वल लगाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद माइनस लगाएंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे, तो फिर एंटर करेंगे, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब फिर से हमको क्रेडिट हुए हैं, तो फिर से इक्वल इस पर क्लिक, प्लस फिर इस पर क्लिक, एंटर, ठीक है। फिर से क्रेडिट हुआ है, इक्वल इस पर क्लिक, प्लस फिर इस वाले पे क्लिक और एंटर, ठीक। अब यहाँ हम निकालते हैं इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट निकालना है हमको 3.5, ठीक है। तो 3.5 का इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इक्वल इक्वल के बाद इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर इंटू करेंगे हम 3.5% से, ठीक। उसके बाद डिवाइड करेंगे हम 365, मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं, और हमको मतलब जो ये बैंक इंटरेस्ट देती है वो साल भर में एक बार देती है, ठीक है, तो साल भर का इंटरेस्ट रेट है, ठीक। फिर एंटर करेंगे, ठीक। तो ये हमारा आ चुका है, ठीक है, 10 रुपये और 35 कुछ पैसे, बहुत सारे लिख दिए इसमें, अपने यहाँ 99 के बाद है 100, 99 पैसे तक होता है, ठीक है, ओनली 2 पॉइंट तक, तो इसको कम कर लेते हैं, ये ओनली 2 पॉइंट तक, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो इतना पैसा हमको क्रेडिट हुआ है, ठीक, इंटरेस्ट रेट हमको मिला है, तो इसको भी प्लस करेंगे, इक्वल इस पर क्लिक, प्लस का साइन, फिर इस पर क्लिक, एंटर, ठीक है। अभी हमारा फिर से डेबिट हुआ है, तो इक्वल का साइन, इस पर क्लिक, ठीक है, उसके बाद माइनस और फिर इस पर, डेबिट का मतलब हमारे पैसे गए हैं, ठीक। फिर से इक्वल पे क्लिक, अब ये क्रेडिट हुआ है, तो प्लस का साइन, इस पर क्लिक, एंटर, इक्वल का साइन, इस पर क्लिक, प्लस एंड एंटर, ठीक। ये हमारा टोटल बैलेंस निकल आया है, ठीक। तो लगभग लगभग हमारी शीट बन के तैयार हो चुकी है, इसको थोड़ा हम बैकग्राउंड इसका चेंज कर देते हैं, इसका कलर भी चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लगा लेते हैं बॉर्डर, तो ये थोड़ा अच्छा लगने लगेगा देखने में, इसमें हम करेंगे ऑल बॉर्डर, ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। अब इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी, नहीं, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसको इंडियन रुपीस बनाने के लिए हमको इनको सेलेक्ट करना है डायरेक्ट, ठीक। और ये रहा कॉमा, कॉमा लगाने से अब ये लग रहा है रुपए और पैसे में आ गया है, ठीक है, इसको भी सेलेक्ट करते हैं और इसमें भी कॉमा लगाते हैं, ठीक, ये भी आ गया 25 रुपये 0 पैसे, ठीक है, 3,500 रुपये 00 पैसे, ठीक है, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, उसमें भी लगा देंगे कॉमा, ठीक, ओके। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और अगर आपको ऐसे ही हमारे और भी वीडियो और भी प्रैक्टिकल करने हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।